दोस्तों कस्टमर की टीवी में प्रॉब्लम आ रही थी। इनका कहना है कि हमारा सेटअप बॉक्स एक मिनट चल के और सिग्नल कम हो जाते हैं, वीक सिग्नल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए ये केबल की कनेक्शन वायर जो है इसको हम चेक करके देखते हैं कि सिग्नल आ रहे हैं यहाँ से ख़राब है या कि ऊपर से ख़राब है। तो देखिए हमने लगा दिया, इसमें 65% सिग्नल दिखा रहा है जो कि सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज और मिस्त्री क्या करते हैं कि ऐसे देख के और जाके सिग्नल को इधर उधर कर देते हैं और बोलते हैं कि सिग्नल ही ख़राब है, लेकिन मेन प्रॉब्लम यदि सही नहीं करोगे तो आपको दोबारा आके सही करना पड़ेगा उसी पैसे में। तो हमने क्या किया है कि आगे सिग्नल चेक किया और जो मेरे पास सेटअप बॉक्स है ये बहुत पुराना सेटअप बॉक्स है, तो हम लगा के इनको दिखा रहे हैं कि देखिए इसमें चल रहा है। और आप वाला भी अभी लगा के आपको हम दिखाते हैं कि कैसा इनका कंडीशन है सेटअप बॉक्स का। तो देखिए इनका जो है तो सिग्नल में कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा कोई मिस्त्री आया था तो बोला सिग्नल गड़बड़ है, सिग्नल सही करवाओ, सिग्नल में LMB ख़राब है, ये ख़राब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सिग्नल प्रॉपर आ रहा है, सेटअप बॉक्स में प्रॉब्लम थी। तो हमारा ये जो सेटअप बॉक्स है तो इसमें प्रॉपर सिग्नल आ रहे हैं। ऐसे में तो कस्टमर को लोग चूतिया बना के चले जाते हैं बहुत सारे ऐसे, क्योंकि ऐसे देखते हैं कि फंस रहा है, वीक सिग्नल हो रहा है, तो सिग्नल ही दिक्कत है। तो देखिए हम इसको अब हटा देते हैं सेटअप बॉक्स को, ये अपना वाला जो मेरे पास ये रहता है हम चेक करने के लिए, इतना बड़ा ये सेटअप बॉक्स रखते हैं क्योंकि बहुत पुराना मॉडल है और काफ़ी मजबूत है ये। तो इससे हम खाली चेक करा देते हैं कस्टमर को, और इसके बाद अब ये कस्टमर का है तो देखिए इसको हम लगा के आपको दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक मिनट भी नहीं चलता इसके बाद वीक सिग्नल हो जाता है, नो सिग्नल। और यदि इसमें पहले 40-50 दिखाएगा पॉइंट, तो धीरे 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 करके 22-23-17-18-14-12 फिर 6-7 करके वीक सिग्नल नो सिग्नल ऐसे करने लगता है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको, वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको नॉलेज वाली इसमें जानकारी मिलेगी। तो देखिए अभी देखिए लगाते ही इनका वीक सिग्नल हो रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिलेगी, सेटअप बॉक्स भी रिपेयर करके दिखाएंगे। तो देखिए इसमें जो है तो अभी 50 सिग्नल दिखा रहा था, 50 से धीरे धीरे कम होने लगा, 22-23-24 ऐसे करके ये 17-18 आके और ये देखिए 7-8 हो गया अपने आप, जो कि मैं दूर खड़ा हूँ और इसको टच भी नहीं कर रहा हूँ। देखिए अपने आप ये इसमें सिग्नल वीक सिग्नल नो सिग्नल ऐसे हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सप्लाई ख़राब होगा या तो कार्ड ख़राब होगा। तो इसमें कस्टमर का कितना खर्चा आएगा सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। लोग क्या करते हैं कि सब कुछ बदल देते हैं और बोलते हैं कि नहीं आपका LMB ख़राब है, वायर ख़राब है, ऐसे बोलते हैं, लीड भी ख़राब है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं आती है। इसीलिए हम मशीन से चेक करके बताते हैं कि देखिए मशीन सही बता रही है, इसमें ऊपर के कनेक्शन आपके सिग्नल सही आ रहे हैं। तो हमने दोबारा भी अपना लगा के इनको दिखा रहा हूँ कि देखिए तसल्ली के लिए आपको, क्योंकि आपका फंस रहा है, हमारा ये देखिए प्रॉपर काम कर रहा है। तो कह रहे हैं कि यही दे जाओ, तो ऐसे नहीं दोस्त, ये तो हम चेक कराने के लिए है, इतना बड़ा आप क्या करोगे। देखिए इसमें 50 सिग्नल है तो 50 पूरे हिल भी नहीं रहे, इधर उधर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि एक बार 50 आके 40-42-41 ऐसे करके 17-18 हो जा रहे हैं। तो हम इसको ले आए हैं शॉप पर, अब इसको रिपेयर करेंगे। तो इसके चारों पेज को ओपन कर लेता हूँ, धीरे धीरे करके खोलता हूँ और खोल करके फिर दिखाता हूँ कि इसमें ये जो है 2020 का मॉडल का ये सेटअप बॉक्स है, काफ़ी पुराना है वैसे ये भी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है। ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम में सप्लाई ख़राब होती है तो कार्ड होता है, और कुछ इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए इसकी जो सप्लाई है, इसके कैपिस्टर जो है तो हल्का हल्का फूले फूले नज़र आ रहे हैं, 2-3 कैपिस्टर इसके फूले आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि 5 वोल्ट इसमें जब सही से प्रॉपर नहीं जाएगा तो वीक सिग्नल ऑटोमेटिक हो जाते हैं, कम होने लगते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए चलेगा फिर वो गर्म हो जैसे होगा वैसे ये वीक सिग्नल हो जाएगा। तो अभी हम सप्लाई, ये नई सप्लाई है हमारे पास, तो इसको हम लगाएंगे और चला के देखेंगे कि प्रॉपर ये काम कर रहा कि नहीं कर रहा। तो आपको जानकारी अच्छी लगेगी दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके भी टीवी में यदि ऐसे प्रॉब्लम आती है, सिग्नल वीक सिग्नल या कोई ऐसे इशू टेक्निकल आती है, तो आप हमें कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बदल लोगे 100% सही हो जाएगा। जैसा कि हम पुरानी को हटा दिए हैं और नई वाली ये देखिए सप्लाई लगा रहे हैं आगे, सप्लाई से ही देखेंगे, क्योंकि इसी से 5 वोल्ट प्रॉपर नहीं मिलता है तभी
क्या होता है कि सिग्नल वीक होने लगता है। तो इसके पेंच को लगा देना है, प्रॉपर टाइट कर देना है और इसके बाद हम चला के भी दिखाएंगे। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि नहीं तो ऐसे में आप एक बार सिग्नल सही करवाओगे, ये करवाओगे, वायर बोलेगा ख़राब है, तो ऐसे में तो आपको 500-700 रुपये बेकार चले जाएंगे। इसलिए हम जो ख़राबी है वही बता रहे हैं आपको। देखिए आयरन की, उससे मैं क्या करूँगा, अब इसको वायर को सोल्डिंग करूँगा, यहाँ पे जोड़ दूँगा, जैसे लग रहे थे वैसे लगा देना है आपको। एक स्विच में लगाना है और एक पॉइंट इसमें लगाना है, बड़ा सिंपल होता है। आप वैसे भी मार्केट से सप्लाई ला के आप बदल सकते हो, सप्लाई आपको 150 रुपये में मिल जाएगी और कार्ड जो है 250 रुपये में मिल जाएगा, तो आप बदल सकते हो, आसानी से काम हो जाएगा, कहीं सेटअप बॉक्स ले जाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ये काम आ जाएगा। जैसे लगी होती है वैसे आप लगा दो, एक बार फ़ोटो खींच के, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए हमने इसको प्रॉपर लगा दिया, अब इसका ढक्कन लगा के और पेंच टाइट कर देते हैं। एक बार आगे देख लेते हैं कि पावर आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं, तो पावर आ रही इसमें। देखिए एक मिनट के लिए थोड़ा वो होता है, फिर ये देखिए तुरंत आ जाती है पावर थोड़ी कट होके। अब जो है तो इसको हम एलईडी में चेक कराएंगे, ये हम टेस्टिंग के लिए एलईडी रख रखे हैं, तो यहाँ पे हम अब चेक कराते हैं, देखते हैं कि सिग्नल इसमें आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखिए इसमें प्रॉपर सिग्नल आ रहा है, और देखिए इसमें जो सिग्नल है 40-42 जो इसमें है सिग्नल, 41-43, तो प्रॉपर है, कम ज़्यादा थोड़ा भी नहीं हो रहा। इसका मतलब सप्लाई में ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे कोई वीक सिग्नल नो सिग्नल की इशू नहीं दिखा रहा है। तो आपने देखा, अभी यदि मिस्त्री, बहुत सारे ऐसे नए मिस्त्री होते हैं तो LMB बदल देते हैं और केबल बदल देते हैं, बोलते हैं इसी में प्रॉब्लम थी। तो हम आ गए हैं कस्टमर के घर लेकर के सेटअप बॉक्स, अब देखिए अब लगा के दिखा रहे हैं, जो कि इनका हमने कुछ नहीं छेड़ा, खाली सेटअप बॉक्स लेके गया था, और जाने का चार्ज तो ज़रूर मैंने 150 रुपये लिया इनसे, कि भाई बताने का प्रॉब्लम तो भाई देना पड़ेगा आपको। तो देखिए अब हम टीवी को ऑन कर देते हैं, इसके बाद चला के दिखाएंगे, जो कि नया कोई भी आइटम लगाएंगे तो 3 महीने की वारंटी आएगी, चाहे कार्ड हो या सप्लाई हो। तो देखिए इसमें प्रॉपर काम कर रहा है, और जो सिग्नल है इसमें प्रॉपर, वो सिग्नल इसमें रुके हुए हैं, जा नहीं रहे हैं। अब पहले क्या था, लगाते ही वीक सिग्नल नो सिग्नल ऐसे टेक्निकल इशू दिखा रहा था, देख सकते हैं आप, जितना सिग्नल है उतना ही है, कम नहीं हो रहा है। आपको दूर से नज़र ना आ रहा होगा, इसमें भी 43-42 हैं जो सिग्नल, वही सिग्नल हैं, कम ज़्यादा नहीं हो रहा, पूरे रुके हैं। तो इसमें सप्लाई में मैंने एक कस्टमर को दिखाने के लिए ले आया हूँ कि देख लो इसमें जो है, तो कैपिस्टर 2-3 वो हैं और पुराना हो चुका है ये सप्लाई, इस वजह से ये सही करना कोई ज़रूरी नहीं समझा।